सत्तावीर आज आपके फिर से इस वीडियो लेकर और आज की वीडियो बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 बाइक के ऊपर। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा, और अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसा कि आपको पता है, आज का वीडियो बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क BS6 बाइक के बारे में होने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर ऐसे 10 रीजंस बताने वाला हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये बाइक आप खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करें, तो हम प्राइस के बारे में इसलिए बात करें, जो चीज हमें बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज खरीदते। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस का ट्विन डिस्क BS6 का होने वाला एक्शन प्राइस 98,835 का, जिसमें से RTO अमाउंट है 7,906 रुपए का, और इंश्योरेंस अमाउंट है 6,541 रुपए का। ऑन रोड प्राइस आपको 1,13,282 रुपए की देखने मिली, और EMI पे 2,891 पर मंथ देके ले सकते हो। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसका प्राइस काफी कम है, 1,13,282 रुपए का। मतलब 150 की बाइक आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगी, और इतने कम प्राइस में अगर देखा जाए, किसी भी कंपनी बाइक उठा के देखो BS6 में, तो मिनिमम 1.5 लाख के आसपास रहेगी, 1.5 लाख या 1.25 के आसपास। बात करते हैं कलर्स की, तो कलर्स काफी ज्यादा देखने मिलते हैं, 7 कलर्स इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। ब्लैक रेड, ब्लैक ग्रे, नियॉन सिल्वर, नियॉन रेड, नियॉन येलो, ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू, ये 7 कलर्स देखने मिल जाते हैं। ग्राफिक्स काफी ज्यादा है इसके अंदर। और सबसे पहली बात है कि पल्सर जब से लॉन्च हुई है, मतलब कि तो सबसे सब पल्सर खरीदते थे लुक्स को देखकर, कि लुक्स काफी प्यारा लगता है इसका, और स्टेप अप सीट देखने को मिलती है इसके अंदर, जो काफी अच्छी है। और बात करते हैं इंजन की, तो इंजन इसके अंदर काफी अच्छा होने वाला है। इंजन टाइप है इसके अंदर सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, SOHC 2 बल्ब, एयर कूल, DTSI इंजन FI में देखने को मिलेगा, जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन बोलते हैं। तो इंजन इसे काफी अच्छा है, मतलब कोई खराबी नहीं होती है इसके अंदर, और इजीली बाइक 4 से 5 साल इजीली चल जाती है बिना किसी दिक्कत के। इंजन डिस्प्लेसमेंट 149.5 cc का देखने मिलेगा, पावर भी काफी अच्छी देखने में मिलती है, 14 PSN 8,500 RPM की, टॉर्क इसके अंदर 13.26 Nm एंड 6,500 RPM देखने को मिलेगा। एमिशन टाइप BS6 है, और BS6 इतने बजट में काफी ऑसम प्राइस होता है। नंबर ऑफ सिलेंडर 1 देखने मिलेगा, और ड्राइव टाइप चेन ड्राइव, बल्ब पर सिलेंडर 2 देखने मिलेंगे। फ्यूल टाइप पेट्रोल, बात करते ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन टाइप इसमें मैनुअल, नंबर ऑफ गियर 5 स्पीड देखने मिलेगी, यानी 5 गियर वाली बाइक होने वाली है। बात करते ब्रेक्स की, तो फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क होगा, रियर ब्रेक भी इसके अंदर डिस्क देखने मिलेगा, मतलब काफी अच्छी बाइक है, दोनों ब्रेक डिस्क में देखने मिलेगा। अब बात करें चेसिस और सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक कन्वेंशनल फोक के साथ देखने मिले, और रियर सस्पेंशन इसमें ट्विन शॉक अब्सॉर्बर गैस फिल विथ कैनिस्टर देखने को मिलेगा। टायर व्हील्स की बात करते हैं, पहले टायर साइज की बात करते हैं, फ्रंट टायर 80/100-R17 का, रियर टायर 100/90-R7 का देखने को मिलेगा। तो बाइक सा लुक काफी ज्यादा अच्छा है इसके अंदर। और व्हील साइज की बात कर लेते हैं, तो व्हील साइज में 17 इंची के देखने मिलेगा। टायर इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे यूज हुए हैं, ट्यूबलेस टायर देखने मिलेगा, रेडियल टायर भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर, व्हील बेस में अलॉय वाला है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो व्हील बेस इसके 1320 mm का है, और लेंथ इसमें 2055 mm की है। ग्राउंड एंड क्लियरेंस 165 mm का देखने मिलेगा, और सीट हाइट इसके अंदर 1060 mm की देखने मिली, सीट हाइट इसमें 785 mm की, और वेट इसके अंदर 765 mm की है। फ्यूल कैपेसिटी 15 लीटर की, यानी 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। जैसे कि आपको दिखता है BS6 बाइक है, और मतलब कि अगर इसमें देखा जाए कंफर्ट लेवल, तो कंफर्ट लेवल काफी एनहांस है। अगर आप
डेली यूज के लिए ले रहे हो, काफी लॉन्ग ड्राइव के लिए ले रहे हो तो इजीली ले लो, काफी अच्छी बाइक है। टेल लाइट इसमें एलईडी देखने मिलेगी और फ्रंट ब्रेक डायमीटर 160 mm का। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की तो बैटरी टाइप में फुल DCMF होने वाली है इनकी, भाई फुल DC में देखने मिलेगी। प्लेट लैंप्स इसके अंदर ट्विन प्लेट लैंप्स देखने मिलेगी। एलईडी टेल लाइट इसके अंदर देखने मिलेगी। टर्न सिग्नल लाइट इसमें बल्ब में होने वाली है। इंजन इसका काफी ज्यादा पावरफुल है और कंफर्ट पूछो मत, बहुत ही ज्यादा। और एक और एडवांटेज है, अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बाइक है ये, सिटी में काफी प्यारी चलती है और इजीली डेली बेसिस के लिए काफी बेटर रहने वाली है। प्राइस इसका एकदम परफेक्ट है, इतने कम बजट में इतनी बढ़िया बाइक मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बजाज पल्सर फिर भी मिल जाती है। लुक्स एकदम दमदार लुक्स है, एकदम हैवी लुक आता है इसके चलाने में और मस्त लुक आता है इसके अंदर, तो आप इजीली इस बाइक को परचेस कर सकते हो। तो देख चुके वीडियो काफी अच्छा था, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे कि आप बता कि लाइक से आपका एक आपका मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट्स होता है वीडियो कैसे लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए, आपका ही आपके सारे कमेंट्स से रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक की वीडियो बनाते हो टॉपिक आप बोलते हो। अगर आप अपने भाई के चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।